और सर श्रीनगर के लाल चौक पे 26 जनवरी के दिन बहुत बड़ा तिरंगा बिछा के जिंदी गाय काटी थी, जिंदी, और जिंदी की खाल उतारी थी सबके सामने, पूरी सेना के सामने यूनिट खड़ी थी वहाँ पे पूरी, और चक्कू लहरा के खूब बोलते थे, क्यों भाई हिंदुस्तानी कुत्तो तुम्हारी माँ है ना ये, देखो क्या हाल करेंगे इसका हम, भाई कुछ नहीं उखाड़ सकते थे उनका, क्यों, क्योंकि सेंट्रल में गवर्नमेंट गंडवी थी। सर ये बात अलग है कि सब अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा अलग रखते हैं, लेकिन आप ये जो मैसेज डाल रहे हो ना कि बीजेपी के कार्यकाल में ना तो जवान सेफ है ना ये है, सर मेरी पोस्टिंग 2006 में J&K में थी कुपवाड़ा में, वहाँ पे बॉर्डर पे एक रूल था नो फर्स्ट फायर नो मोर देन 11 NMM, यानी कि जब तक पाकिस्तान की तरफ से एक भी फायर नहीं आ जाता तुम कोई फायर नहीं करोगे, नो मोर देन 11 mm, मतलब वो हमारे ऊपर RPG चलाएं, मोटरार चलाएं, कुछ भी चलाएं, हम 11 mm से ऊपर का राउंड नहीं चला सकते थे वहां पे। मेरे हाथ पे ओम गुदा हुआ है, इस ओम के गुदे होने की वजह से मुझे हाथ में रुमाल बांध के ड्यूटी करनी पड़ती थी वहां पे, अगर उनको ओम दिख गया ना तो छोटे छोटे बच्चे पत्थर मारना शुरू कर देते थे। और सर श्रीनगर के लाल चौक पे 26 जनवरी के दिन बहुत बड़ा तिरंगा बिछा के जिंदी गाय काटी थी, जिंदी, और जिंदी की खाल उतारी थी सबके सामने, पूरी सेना के सामने यूनिट खड़ी थी वहां पे पूरी, और चक्कू लहरा के खूब बोलते थे, क्यों भाई हिंदुस्तानी कुत्तो तुम्हारी माँ है ना ये, देखो क्या हाल करेंगे इसका हम, भाई कुछ नहीं उखाड़ सकते थे उनका, क्यों, क्योंकि सेंट्रल में गवर्नमेंट गंडवी थी, नपुंसक गवर्नमेंट थी, हमारे सर पे चौकी बना ली थी उन्होंने, जो LAC है ना, LOC, उस पे बिल्कुल वहीं 50 मीटर के दायरे में, और रात में बड़े बड़े स्पीकर पे माइक पे बोलते थे पाकिस्तानी रेंजर्स, अरे अपनी बहनों के एक रात के लिए हमें दे दो, क्या हुआ हिंदुस्तानी नपुंसको चलाओ गोली, कुछ नहीं कर सकते थे उनका। 2014 में जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो सेना अध्यक्ष बिपिन रावत साहब जब उनसे मिले तो उन्होंने बताया कि बॉर्डर के हालात खराब है सर, छूट नहीं है जवानों को कुछ भी, तो PM मोदी ने कहा था कि छूट मेरी तरफ से पूरी है, मैं नहीं जाऊंगा वहां लड़ने, तुम जाओगे। आज की डेट में आप मुझे एक भी चौकी बता दो अगर वहां ढूंढने से मिल जाए, दूरबीन लगा के देखनी पड़ती है पहाड़ों में, वो भी बंकरों में अंदर सारी लगा दी उन्होंने तोप उड़ा के। शांति काल में आप 155 mm की बोफोर्स टाइप की तोप नहीं चला सकते, UNO का रूल है, लेकिन 2014 में ये बोफोर्स भी चली J&K में पाकिस्तान की तरफ चौकी उड़ाने के लिए। तो सर ये मत कहिए कि बीजेपी के कार्यकाल में जवान मर रहे हैं, ये हो रहा है, सर सेना के जो हाथ खुले हैं ना वो बीजेपी के कार्यकाल में ही खुले हैं, मैं इसका जीता जागता प्रत्यक्ष आपके सामने बैठा हूँ।